चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, और आज हम लोग काइनेमेटिक्स का डाउट डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स सीट A1 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, उसका इंपॉर्टेंट डाउट करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो भेजा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस थे। आप उनमें से भी अगर कोई बात नहीं समझ में आओ तो पूछ सकते हो, और बाकी जो जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ आर्यन। बनाया हूं आर्यन सीट। आर्यन 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 का तो आवाज नहीं आ रहा। अंजना सीट बनाए हो? तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कितना बनाए सीट? 30 तक बना लिया। बहुत है, 30 तक ठीक है, अगले क्लास में बाकी करेंगे। तो अंजना को तो यहाँ आना था सेंटर पे, काहे नहीं आए? कल से आ जाएंगे। हाँ कल से आओ, और आप लोग का एक स्पेशल बैच बन गया है, ऑफलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो अंजना पूछिए सीट में 30 तक में क्या डाउट है A1 सीट के फर्स्ट 30 क्वेश्चंस में। सर नेक्स्ट इतना ही है अभी। चलिए तो डिस्कशन शुरू करते हैं। एक सीट मुझे दे दो। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ सुनिए। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 16 मीटर। एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट 16 मीटर है। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। और इसके टॉप से रेगुलर इंटरवल्स पर बूंदे, पानी की बूंदे गिर रही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट एज द फिफ्थ ड्रॉप डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द रूफ। जब पांचवा ड्रॉप यहां से डिटैच हो रहा है, तब तक पहला ड्रॉप पहुंच चुका है। द फर्स्ट ड्रॉप इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट एज द फिफ्थ ड्रॉप डिटैचेस फ्रॉम द रूफ। फर्स्ट ड्रॉप यहां पहुंच चुका है, यहां पहला ड्रॉप है, ठीक है। तो दूसरा ड्रॉप यहां कहीं होगा, तीसरा ड्रॉप यहां कहीं होगा, और चौथा ड्रॉप यहां कहीं होगा। और देखिए चार इंटरवल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 इंटरवल, 4 इंटरवल्स आते हैं। पहला ड्रॉप यहां है, दूसरा यहां कहीं होगा, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, एंड देयर आर 4 टाइम इंटरवल्स। दिस 1, 2, 3, 4 एंड टोटल टाइम फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे 1 के लिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? अंजना बोलो, कोई पार्टिकल नीचे गिरता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? √2h/g. वेरी गुड, √2h/g. सो दिस विल बी √2 इनटू हाइट हो गया 16, जी का वैल्यू 10, सो दिस विल बी 16 का रूट हो जाएगा 4/√5, 2 से 10 कट गया इतना सेकंड। ये पूरा टाइम हुआ यहां से यहां तक गिरने का। तो एक एक इंटरवल पूछे, तो अगर एक इंटरवल ये पूछे कितना होगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/√5 सेकंड का। ये इंटरवल भी कितने का होगा? 1/√5 सेकंड का। ये इंटरवल भी कितने का होगा? 1/√5 सेकंड का। एंड सिमिलरली ये इंटरवल भी 1/√5 सेकंड का। तो आपसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेट ड्रॉप्स इन एयर एज द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड आर। तो सबके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो चलिए निकालते हैं पहले और दूसरे ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे।
ये डिस्टेंस का मतलब ये पार्टिकल 2 कितना चला, पार्टिकल 2 कितना चला, इसके लिए इक्वेशन लिख दीजिए। आप इक्वेशन लिखो s is equals to ut plus half at square नीचे की तरफ, s is equals to ut plus half at square नीचे की तरफ, तो s2 कह रहे हैं हम लोग इसको, ut तो 0 हो गया, half acceleration हो गया 10 into t square, सेकंड ने कितना टाइम इंटरवल चला है, 3 टाइम इंटरवल, तो 3 by root 5 square करेंगे तो 9 by 5, तो 9 मीटर कितना हो जाएगा, 9 मीटर। तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9 मीटर। तो बताइए फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया अंजना, अंजना सेवन मीटर, टोटल 16 माइनस 9 सेवन मीटर। सिमिलरली थर्ड के लिए भी ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, उसके लिए टाइम इंटरवल कितना लेंगे, 2 बाय रूट 5 सेकंड, उसके लिए भी डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए देखिए सेकंड के लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूं, थर्ड के लिए सॉरी s3, ut 0 हो गया, हाफ इनटू g की वैल्यू 10 इनटू 2 बाय रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बाय 5, तो 5 में 10 कट गया 4 मीटर, मतलब ये ऊपर वाला डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कहां पे दिखाऊं, यहां पे दिखाते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर, तो 3 और 4 के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर। बाय सिमेट्री तो मुझे लग रहा है ये 7 मीटर, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर होगा, फिर ये 1 मीटर, बाय सिमेट्री तो ये लग रहा है, पानी का 1 3 5 7, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बताना है मुझे, 17 नंबर सवाल समझिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप with speed v naught along the line of greatest slope of an inclined plane of angle beta. तो देखिए एक inclined plane है, अब देखिए आप लोग में जिसको भी inclined plane projectile में दिक्कत था, so don't worry, मैं वापस से पूरा explain कर रहा हूँ यहाँ पे। ये beta था और किसी particle को हमने फेंका है इस तरह से v naught speed से, v naught speed से मैंने फेंका है, और ये एंगल आप जो ग्राउंड से एंगल होता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, ग्राउंड से जो एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है उसको अल्फा कहते हैं, और ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग अल्फा माइनस बीटा कहते हैं, इसी को मैं थीटा कहता था। आगे कह रहा है इफ द बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये यूं करके गया और इसको हिट किया, और कैसे हिट किया, परपेंडिकुलरली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, हिट्स परपेंडिकुलरली, मतलब इसका जो भी वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। अगर आप मैं इसको x एक्सिस कहूं तो vx कितना कहिएगा, जीरो, उधर की तरफ वेलोसिटी जीरो है। आप अगर इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस कह रहे हो तो ये दो डायरेक्शन लोग लेते थे, एक along the inclination, एक perpendicular to inclined plane, और ये collision कैसा है, elastic collision, hits perpendicularly और कैसा, elastically, इस word का बस इतना ही मतलब है, elastically का यही मतलब होता है कि जितने velocity से strike करेगा उतने ही velocity से rebound होगा, same path में वापिस उतने ही time में पहुंच जाएगा, that's the only meaning, जितने velocity से strike किया उतने ही velocity से rebound होगा और वापिस उतने ही टाइम में पहुंचेगा जितना टाइम जाने में लगा था। क्लियर, आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगेन, मतलब कितने टाइम में वो वापस आ जाता है, टोटल टाइम बताना आपको, तो जाने में टाइम स्मॉल टी कहेंगे, आने में भी स्मॉल टी, टोटल टाइम हो जाएगा 2t, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये सवाल मैंने लेक्चर में भी कराया था, हिट्स परपेंडिकुलरली का क्या मतलब होता है, और हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था और मैंने कहा था आगे से ये एक्सप्रेशन याद रखने के लिए, ठीक है अंजना को याद है क्या, हिट्स परपेंडिकुलरली मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था, अंजना याद है क्या बताओ, किसी को याद है, अनवर, गुंजन, मुग्धा, रवि, श्रेया, किसी को भी याद हो तो बोलो,
प्रणव को याद है, बोलो। टैन बीटा इनटू टैन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। शिवम टाइम हो सकती? नहीं नहीं, इक्वेशन मैंने एक बताया था याद रखने के लिए। अंजना ऑडियो ऑन करो। यस सर। नहीं याद है? नो सर। कॉपी बोल के देखो, ये लिखा है मैंने, टू टैन बीटा इंटू टैन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन। ये देखो, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, टू टैन बीटा इंटू टैन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन। आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। तो ये आता है, ठीक है। हालांकि अगर ये नहीं भी याद है अभी के लिए, तो मैं इसको डिराइव करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन अगर इसे याद रखिए तो ये क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे मैंने डिराइव किया था, अब इस पे एक्सलेशन का डायग्राम मैंने बताया था। एक्सलेशन जो होता है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बीटा कहते हैं, इधर की तरफ होता है जी कॉस बीटा, जी का इधर की तरफ कॉम्पोनेंट होता है जी कॉस बीटा, और इधर की तरफ जी का कॉम्पोनेंट होता है जी साइन बीटा। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ होंगे, देखिए ये v नॉट है, v नॉट का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या लिखेंगे, v नॉट cos थीटा, मतलब cos अल्फा माइनस बीटा, और इधर की तरफ लिखेंगे v नॉट sin बीटा, ठीक है। तो आप इक्वेशन लिख दीजिए, यहां पे मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, आप इक्वेशन लिखो v इज इक्वल्स टू u प्लस at इधर की तरफ, इसी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, इस तरह से। इसको क्या पढ़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ वो कितना है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ कितना है, v नॉट इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, प्लस एक्सलेशन इधर की तरफ, इधर की तरफ जी साइन बीटा, इधर की तरफ पूछेंगे तो माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। तो यहां से हम लोग आ गया जी साइन बीटा into t is equals to v naught cos alpha minus beta, तो t का वैल्यू हो गया v naught cos alpha minus beta by g sin beta। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग और लिख सकते हैं, अगर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इनिशियली ये यहां पे था, फाइनली ये यहां पे आ गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो x डायरेक्शन में ही है, y में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखे, देखिए मैं इधर वाले को मिटा दे रहा हूं उसको, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन लिख रहा है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ v नॉट sin बीटा, जो भी टाइम है उसको t मान लीजिए, प्लस हाफ एक्सलेशन इधर की तरफ माइनस g cos बीटा इनटू t स्क्वायर, इस टर्म को इधर भेज दीजिए, तो g cos बीटा इनटू t स्क्वायर हाफ भी है is equals to v naught sin beta, ठीक है। तो यहां से अच्छा इधर एक t और था, ये t t कट गया, तो एक t का वैल्यू भी आ गया, 2 v naught sin beta upon g cos beta। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन है। दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि दोनों टाइम सेम ही है, तो 2 v naught sin beta upon g cos beta, यहां से लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय जी साइन बीटा। तो देखिए जी से जी कट गया, वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो साइन बीटा बाय कॉस बीटा को टैन बीटा कहते हैं, तो ये हो गया टू टैन बीटा, ये साइन बीटा इधर आएगा, और यहां पे कहीं लगता है हमने, मैंने वी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा होगा यहाँ पे, हाँ ये v नॉट साइन बीटा नहीं होगा, ये तो कितना होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। एक सेकंड, यहाँ गलती हो गया,
माइनस बीटा दे रखता है, वी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा होगा ना, ये हो जाएगा वी नॉट, ये जीरो, ये हो गया वी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ एक्सलेशन जी कॉस बीटा निगेटिव में इंटू टी स्क्वायर, एक टी यहां भी, ये वाला टी, टी टी कट गया एक रह जाके, और टी डायरेक्ट लिख रहा है, ये हो जाएगा टू वी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन से टी को बराबर कर दिए थे, तो टू वी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा is equals to v naught cos alpha minus beta by g sin beta, g g कट गया, v naught कट गया, तो you get 2, इसको इधर भेज दीजिए, तो sin by cos tan हो जाएगा, तो tan alpha minus beta, इस sin को ऊपर भेज दे, तो sin by cos फिर से tan beta is equals to 1, so this is the proof of this entire derivation, ठीक है, ये entire एक relation का ये पूरा लंबा सा प्रूफ है, ठीक है, और इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजें जो मैं कहूं कि याद रखिए उसको एज ए फॉर्मूला, उसको कोशिश कीजिए याद रखने का, उसको याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, इसलिए इन चीजों को कोशिश करना है कि आपको याद रहे, वो ध्यान में रहे। अब मान लीजिए अगर ये फॉर्मूला याद रखता तो इतना डिराइव करने का जरूरत नहीं पड़ता, और आपसे एक लाइन में ये जो सवाल लोग सवाल करने जा रहे उसका आंसर आ जाता, नहीं याद था तो इतना डिराइव करना पड़ा, इंक्लाइन प्लेन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने उसको फॉर्मूले से आपको बताया कि आप ये फॉर्मूले याद रखिए, आपका सवाल जल्दी बनेगा। अब चलिए, ये तो मैंने ड्राइव करके दिखा दिया, लेकिन अब मैं ये मिटा दे रहा हूं, इसका मुझे कोई काम नहीं था, हम लोग को बस उस इक्वेशन का यूज पड़ेगा, हम लोग को बस इस इक्वेशन का यूज था, इस इक्वेशन का यूज था और इस वाले फॉर्मूले का यूज था, और ये फॉर्मूला तो आपको याद है ऑलरेडी, ठीक है, ये फॉर्मूला या इससे जो डिराइव हो क्या है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको याद है टाइम ऑफ फ्लाइट का, इंक्लाइन प्लेन के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो अगर याद है तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट वही यूज करता था, ये चीज का भी यूज नहीं था, चलिए भाई ये भी मिटा देता हूं, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, मैं इसको भी मिटा देता हूं। तो हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये लेकिन कब यूज करते हैं, जब परपेंडिकुलरली हिट करते, ये कंडीशन होता था, ये हम लोग डिराइव किए थे, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना था, इसको लिख दिए। पॉइंट नंबर टू मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टू, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा, मतलब वी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये तो जाने का टाइम हुआ, आने का भी टाइम इतना ही होगा, तो टोटल टाइम अपन क्या लिखेंगे, इसका टू टाइम्स कर दीजिए, तो फोर वी नॉट साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको क्वेश्चन में बस दो ही टर्म दिया हुआ है, एक वी नॉट और एक बीटा, तो जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो इसी टर्म में होना चाहिए, जी यूज कर सकते, जी एक कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन अल्फा तो नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये जो टर्म है इसको हमें रिप्लेस करना है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग दिस एज अल्फा माइनस बीटा को थीटा कहते हैं ना, इसको मैं साइन थीटा लिख देता हूं अपॉन जी कॉस बीटा, एंड नाउ लुक एट दिस रिलेशन, ये क्या लिखा हुआ है, टैन, ये जो अल्फा माइनस बीटा है थीटा कह रहे हैं, टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 टैन बीटा, क्योंकि टैन बीटा तो गिवन चीज है ना, तो ये टर्म तो गिवन चीज हो गया, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 टैन बीटा हो गया। आप एक ट्रायंगल बना लो, tan थीटा का मतलब ये अगर थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया और बेस हो गया 2 tan बीटा, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1+4 tan स्क्वायर, तो यहां से हम लोग sin थीटा का वैल्यू खाली रख देंगे, तो टोटल टाइम हो जाएगा 4 v नॉट by g cos बीटा, ऊपर में sin थीटा है, sin थीटा का वैल्यू यहां से रख दीजिए, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 1/√1+4 tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा को हम लोग sin स्क्वायर बीटा बाय cos स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, 4 v0 / g cos बीटा, ये cos स्क्वायर बीटा यहां से लग गया,
और वो रूट के बाहर निकला है तो कॉस बीटा बनेगा, वो कॉस बीटा इससे कट जाएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, एलसीएम लेंगे आप तो ये कॉस स्क्वायर बीटा यहां जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा रूट में है टोटल ना, तो कॉस बीटा बन के बाहर निकलेगा, यहां भी कॉस बीटा कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर बीटा, उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 v नॉट बाय g और अंडर रूट 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। बोलो जनाब समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी किसी को इसमें कोई दिक्कत है? सो दिस इज व्हाई I used to say कि आप इंक्लाइन प्लेन में जो फॉर्मूले आपको बताए गए वो याद रखना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसको लिखिए, फिर अंजना के बाद मौका देंगे श्रेया को डाउट पूछने का। इसको लिखिए पहले, चलिए अब श्रेया को मौका देते हैं। बताओ श्रेया, कौन कौन सा डाउट पूछना है? सर क्वेश्चन नंबर 26 में डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट आ रहा है मेरा। 26 में, चलिए 26 देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। एक बर्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड दिया हुआ है 40, जे कैप लिखेंगे नॉर्थ की तरफ जा रही है तो। एंड अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ 40 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन का वेलोसिटी इधर की तरफ है, ये है 30, ये भी है 40, मतलब 40 आई क्या। और आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड नोटेड बाय अ मैन इन ट्रेन, मतलब आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्या फॉर्मूला होता है श्रेया इसका बताओ? वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेरी गुड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो गया 40 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया 40 आई कैप। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो 40 तो कॉमन, बाकी रूट 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, लिखा हुआ देखिए 40 जे कैप, मतलब ऊपर की तरफ 40 और माइनस 40 आई कैप, मतलब इधर की तरफ 40, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल जॉइंट है, रिजल्टेंट ऐसे होगा, और क्योंकि दोनों बराबर बराबर है इसलिए एंगल भी बराबर बराबर होगा 45। इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट होगा। यही आया था तुम्हारा श्रेया, नॉर्थ वेस्ट? यस सर। तो आंसर में नॉर्थ वेस्ट नहीं दिया हुआ है? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट है ही नहीं आंसर में, तो नॉर्थ वेस्ट कर लीजिए जो ऑप्शन सही था। दो ऑप्शन सर सेम कर लिया सर। ओ अच्छा, गलती से दो ऑप्शन को, एक नॉर्थ ईस्ट है ना, सी नॉर्थ ईस्ट है, ए बी नॉर्थ ईस्ट दे दिया है, तो दोनों में से एक चेक चेंज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट 27 में भी शायद गड़बड़ी है, मुझे लगता है 27 नंबर में भी गड़बड़ी है। रिवर स्वीप प्रॉब्लम का सवाल है, अ रिवर इज फ्लोइंग, मैं एक बात बता देता हूं प्रोसेस के लिए, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट स्पीड 5 मीटर पर मिनट। तो देखिए ये रिवर है और ये रिवर इधर की तरफ फ्लो कर रही है, रिवर के स्पीड को हम लोग यू से लिखते हैं, और ये कितने से फ्लो कर रही है, 5 मीटर पर मिनट से। ठीक है, और एक स्विमर है जिसका स्पीड दिया हुआ है वी 10 मीटर पर मिनट, और आपसे पूछा है ही वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो क्या कंडीशन बोला है शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने का? बताओ शिवम, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए क्या कंडीशन होता है? किसी को याद है? श्रेया याद है? स्विमर का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए क्या कंडीशन होता है? श्रेया को नहीं याद है? नहीं नहीं, रवि, मुग्धा, गुंजन, अनवर, अंजना, आर्यन, किसी को याद है तो ऑडियो ऑन करके बोलो। वेरी
इधर जाता है तो मिनिमम टाइम में, अगर इधर वो कूदता है से तो मिनिमम टाइम में पहुंचता है, दिस इज द कंडीशन। और इस केस में टाइम कितना टाइम में क्रॉस करता है उसका फॉर्मूला बताए थे d by b, इसका d नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं इसका d है 100 मीटर, नहीं d by b ही होता है इस केस में, मिनिमम टाइम का फॉर्मूला sin थीटा आ जाता है, d by b होता, कुछ नहीं होता, बस यही फॉर्मूला होता है d by b। तो d हो गया 100 by b कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट में वो क्रॉस कर लेगा। और इस केस में वो यहां नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, वो यहां पहुंचेगा, थोड़ा सा आगे पहुंचता है, और ये जो ड्रिफ्ट है x, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने u into d by v, ये सब याद रखना है, what is u, इसका स्पीड 5, और d by v तो निकाली लिए 10, 5 दन 50 मीटर वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक केस और था जो कि आप लोग बहुत लोग शिवम बोल रहा था sin theta is equals to u by v, वो कब होता है, जब शॉर्टेस्ट पाथ में जाना हो। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट, डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना हो, तब अगर ये रिवर है तो ये जो स्विमर है उसको इधर छलांग लगाना पड़ता है थीटा एंगल पर, ठीक है, तब वो यहां इनिशियली इनिशियल से फाइनली यहां पहुंचता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट जीरो, तो उसका ड्रिफ्ट मतलब एक्स क्या है, जीरो है, वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचता है। और इस केस में कंडीशन होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू बाय वी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू बाय वी, इस केस में कंडीशन होता है। सर अगर रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगा तो उस हां तब उधर उल्टा हो जाएगा, अगर रिवर का डायरेक्शन उधर हुआ तो इसको आप इधर कर देंगे, है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू बाय वी। तो अगर मान लो इसी डेटा के साथ आपसे पूछता कि शॉर्टेस्ट टाइम में चलने के लिए कितना एंगल पे चले, sin theta is equals to u by v का देते तो sin theta is equals to u है 5, v है 10, तो half हो जाता, तो theta is equals to 30 degree। अब ये theta 30 degree है, सर क्या मतलब? कि बोलते हैं downstream इधर से river flow से कितने angle पे? 90 plus 30, 120 degree पर। इधर से ये angle कितना होगा? upstream से 60 degree। ठीक है, total 90 होता, ये 60 हो जाएगा। इस case में पूछे बताइए कितना time में cross करेगा? इस केस में टाइम का फॉर्मूला होता है d by under root v square minus u square, ये दिख रहा है ना इसमें, हाँ, टाइम होता है d by v under root v square minus u square, तो d हो गया कितना था 100 मीटर by under root v square minus u square, v हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100 minus 5 का स्क्वायर 25, तो 75, 75 का रूट कितना हो जाएगा 5 root 3, टाइम हो जाएगा 20 बाय रूट 3 मिनट, ये हो जाएगा टाइम। ये रिवर्स वाला प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया था, तो इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। 27 नंबर का आंसर ना बी या सी में किसी में चेक कर लीजिए, जो भी आंसर उसमें दिया हुआ उसको काट करके कर लीजिए, टुवर्ड्स नॉर्थ, सीधा सीधा जब चलता है तब शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करता है, ठीक है। कार इज मूविंग ईस्टवर्ड विद स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ कार दिया हुआ है 25 आई कैप। टू द ड्राइवर ऑफ द कार अ बस अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कार का जो ड्राइवर है उसने बस को देखा, मतलब हमें क्या दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, और वो कितना दिया हुआ है 25 रूट 3, और किधर जाता हुआ जे कैप। तो आपसे पूछा व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस, तो VBC क्या लिखेंगे, VB माइनस BC, तो VBC हो गया 25 रूट 3 जे कैप इज इक्वल्स टू VB माइनस BC कितना है 25 आई कैप, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो VB हो जाएगा 25 आई कैप प्लस 25 रूट 3 जे कैप, तो
इसका स्पीड कितना लिखेंगे, देखो 25 कॉमन है, 25 लिख दो पहले इनटू अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट 1 बचा, 25 कॉमन ले तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 रूट का स्क्वायर 3 4 टू 50 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर ये हो गया। और किधर जाता हुआ दिखेगा तो इसका वेक्टर डायग्राम बना लीजिए। 25 आई कैप मतलब इधर की तरफ 25 रूट 3 जे कैप मतलब ऊपर की तरफ 25 रूट 3 तो इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये है 25 रूट 3 तो टैन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग रूट 3 तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे देखिए हम लोग ईस्ट से ये ईस्ट है ना एक्स एक्सिस को ईस्ट कहते हैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री तो इंग्लिश में लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री ठीक है या दूसरा इसको ये 60 डिग्री तो उधर से 30 डिग्री लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो ये तो सही है श्रेया ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन गलत था। हाँ आपका गलती हो गया था कोई बात नहीं समझ गया ना गलती हो जाए तो पूछ लेना है yes, में दिक्कत होता है कभी कभी। चलिए आगे श्रेया को और कोई डाउट है 30 तक में 37 तक में डिस्कस कर लेते हैं आज 33 चलिए 33 बहुत अच्छा सवाल है सवाल यह है कि एक पर्सन है और मान लीजिए ये रिवर है ठीक है तो ये पर्सन ने ना इस रिवर में छलांग लगाया दो कंडीशन में एक बार वो यू करके कूदा थीटा एंगल ठीक है तो इस बार क्या होगा बहुत दूर जाएगा ऐसे करके कुछ यहां जाके पहुंचेगा ठीक है ये इसका ड्रिफ्ट होगा उसको हम लोग X1 कहेंगे। दूसरे केस में उतने ही एंगल पे जितना एंगल पे इधर चला था उतने ही एंगल पे ये इधर चला थीटा एंगल पे इस बार वो कुछ दूर जाएगा मतलब मान लो फाइनली ऐसे करते हुए वो यहां पहुंच जाएगा ये डिस्टेंस X2 ये दिया हुआ है। देखिए अब मैं पढ़ रहा हूं सवाल को वापस से सुनिएगा The ratio of distance, इनी distance का ratio बात कर रहा हूँ। Obviously बात है ये वाला distance ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें इस man का ही velocity थोड़ा इधर है component और river भी उसको support करेगा। So इस case में वो ज़्यादा चलेगा। इन दोनों का ratio दिया हुआ है x1 by x2 का value 2 दिया हुआ है। इस सवाल पर ये the ratio of distance carried away by water current मतलब drift downstream पहले downstream में डाउनस्ट्रीम क्यों क्योंकि देखिए ये करंट इधर जा रहा है इसका वेलोसिटी भी थोड़ा इधर ही है। इन क्रॉसिंग अ रिवर बाय अ पर्सन मेकिंग सेम एंगल विद डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम देखिए डाउनस्ट्रीम के साथ यहां इसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा और इस केस में अपस्ट्रीम के साथ कितना एंगल है 90 माइनस थीटा है ना तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के साथ सेम एंगल है उसका रेशियो 2:1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पर्सन टू द वाटर कैन नॉट बी लेस देन मतलब स्पीड ऑफ पर्सन मतलब वी बाय यू इस पे क्या कंडीशन होगा ये बताइए। चलिए बताते हैं हम क्या कंडीशन होगा वी बाय यू पे। देखिए ये जो इंसान है इसका जो वी है इसके दो कंपोनेंट होंगे इधर की तरफ वी साइन थीटा
और इधर की तरफ v cos थीटा, इधर थीटा होता है उधर वाला cos थीटा होता है, तो इधर की तरफ cos थीटा हो गया, इधर की तरफ इसको एक और स्पीड प्लस u मिलेगा रिवर्ट। मैंने आपको बताया था कि हर स्पीड का अपना अपना काम है, ये स्पीड इसको क्रॉस कराता है, अगर d विड्थ है रिवर का तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस हो गया d by v cos थीटा, और ये ड्रिफ्ट x1 कितना होगा, x1 क्या है डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस है, उधर का स्पीड लिखेंगे, ये वाला स्पीड u plus v sin theta into time जो कि है d by v cos theta, ये हम लोग का x1 हो गया पहला इक्वेशन। इस तरह यहां चलिए, इस v के दो कंपोनेंट, ऊपर की तरफ v cos theta, इधर की तरफ v sin theta, ये u इधर, तो इस बार हॉरिजॉन्टल में इस इंसान का नेट स्पीड कितना हो जाएगा, u माइनस v sin थीटा, कितना हो जाएगा u माइनस, ये u पॉजिटिव में है, sin v sin थीटा नेगेटिव में है, तो u माइनस v sin थीटा, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस हो गया d, अभी भी क्रॉस करने वाला वेलोसिटी v cos थीटा ही है, तो सेम ही टाइम लगेगा। ड्रिफ्ट x2 कितना लिखेंगे, इधर की तरफ स्पीड u माइनस v sin थीटा इनटू d बाय v cos थीटा, ये कोई नया चीज नहीं है, ये सब हम लोग लेक्चर में डिस्कस किए हैं, यही तो डायग्राम मैंने ही बनाया था, ड्रिफ्ट निकाला भी था, ड्रिफ्ट का ये फॉर्मूला भी लिखते हम लोग, क्योंकि इधर छलांग लगा था, इस बार खाली इधर छलांग लगा दिया, तो v sin थीटा इसको सपोर्ट करेगा, तो यहां खाली प्लस हो गया, इन दोनों का रेशियो x1 by x2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए x2 मैं यही लिख देता हूं ताकि आपको डिवाइड करने में समझ में आए, u minus v sin थीटा into d by v cos थीटा, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो d by v cos थीटा कट जाएगा, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, u plus v sin theta by u minus v sin theta is equals to 2, ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा u plus v sin theta is equals to 2u minus 2v sin theta, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो 3v sin theta is equals to 2u minus u, 3v sin theta is equals to u, तो यहां से v by u लिखेंगे हम लोग 1 by 3 sin theta, v by u लिखेंगे हम लोग 1 by 3 sin theta, ये v by u का वैल्यू हो गया, and we know that sin theta is always less than equal to 1, sin theta की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती, तो यहां से हम लोग sin theta क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से sin theta लिखेंगे u by 3v, sin थीटा लिखेंगे u by 3v, मतलब u by 3v जो होना चाहिए वो always less than 1 होना चाहिए, इस v को इधर भेज दे तो u को इधर भेज देंगे, तो 1 by 3 less than equal to v by u होना चाहिए, इसको हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं, कि 1 by 3 less than equal to v by u होना चाहिए, या इसी को पढ़ सकते हैं कि v by u is greater than equal to 1 by 3, मतलब v by u का वैल्यू 1 by 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। आपसे पूछा कि v by u का वैल्यू किससे कम नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस बात है v by u का वैल्यू 1 by 3 से ज्यादा या उसके बराबर है, 1 by 3 से कम नहीं हो सकता, this implies v by u cannot be less than 1 by 3। अरे भाई मान लो हम कहें कि हमको तुमसे 500 रुपया चाहिए, 500 या 500 से ज्यादा चाहिए, इट क्या, इट मींस क्या कि 500 से कम हमने नहीं लेंगे, उससे कम में काम नहीं चलेगा, उतना दोगे तभी हम तुमको डाउट बताएंगे, है ना, तो ये मतलब है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, बाकी इस रिकॉर्डिंग को, ये क्लास के रिकॉर्डिंग को देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, एक मैंने और लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ इसका, इसके ऊपर उसको भी कीजिए, और उसके डाउट के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।